जैसे कि विदित है कि बजरंग दल एक धार्मिक संगठन व सामाजिक संगठन भी है, जो समय समय पर समाज में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के आंदोलन करता रहता है। आज मुरादाबाद जहां विकास की ओर अग्रसर है और स्मार्ट सिटी के सपने देख रहा है, वहीं कुछ लोग धर्म को आड़ बनाकर सड़कों पर नेशनल हाईवे पर एक चादर दो झंडे लगाकर सड़कों को मजहरों के नाम पर अतिक्रमण कर रहे हैं। महोदय से बजरंग दल की मांग करते हुए कहा है कि ऐसी मजहरों को अविलंब हटा दिया जाए। मुख्य रूप से गागन में आरटीओ रोड पर चौहानों की मिलक और मैनोठौर के बीच में रोड के बीच बीच स्थित मजार को जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि इस रोड पर अधिक यातायात चलता है और दुर्घटनाएं इसके कारण बहुत होती हैं, जिसमें बजरंग दल के कुछ महत्वपूर्ण सदस्य रहे रोहन सक्सेना, अरविंद शर्मा, गौरव भटनागर, रिंकज छाबड़ा, नरेश शर्मा, प्रमोद राणा, वरुण शर्मा, बाबू बजरंगी, सचिन ठाकुर, गौरव, विक्की, दीपक, हिमांशु, सोनू भंडूला, मोनू, कपिल कुमार, अभिनव ठाकुर, मोहित, पिंटू, सचिन, रिंकू, सुनील, अजय पांडे, राजीव रुद्र, त्यागी, मलखान आदि उपस्थित रहे। आज गागन पर जो मंझोले थाने के सामने एक मंदिर बना हुआ था, प्रशासन ने अवैध तरीके से दिखाकर पीडब्ल्यूडी से कागज लेकर उसको तोड़ दिया। उसमें 6 मूर्ति स्थापित थी, सारी मूर्तियां हटा दी गई हैं। अगर उन्होंने मंदिर गलत तरीके से बना हुआ, तमाम तरह की जारतें और मस्जिद मदरसे बने हुए हैं। एक आरटी ऑफिस रोड पर एक जारत बनी हुई है, क्या वो अवैध नहीं है? और सड़क से लगभग 40 मीटर की दूरी पर मांग है। हमारी मांग ये है, अगर उस मंदिर को हटाया गया तो जो सड़कों पर जो जारतें हैं फिर उन्हें भी हटाया जाए, हम अपनी ये मांग रखते हैं। और बीच में सड़कों के जारतें हैं, दोनों तरफ से रोड निकल के आरटी ऑफिस रोड पर है वो।